हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डीएनएस, डीएनएस के नुकसान। हाँ दोस्तों, क्या डीएनएस के नुकसान है, बात करते हैं आज की वीडियो में। बड़ी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, जिससे हमारा परिवार यूट्यूब का बढ़ता रहे और आपको अनेक नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मेरे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स, आई मीन नो सर्जन, सो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एंड उनका बेसिकली प्रॉब्लम है बहुत सारे का डीएनएस, लोट ऑफ यंगस्टर्स पेशेंट्स का। सो उनका ये है कि मेरे को डीएनएस से क्या नुकसान है। दोस्तों डीएनएस के नुकसान के लिए सबसे पहले हमें डीएनएस जानना है, क्या ये डीएनएस वाला है। दोस्तों डीएनएस की फुल फॉर्म होते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड आप सबको पता है कि कोई भी चीज टेढ़ा मतलब डेविएटेड। नेजल सेप्टम ये क्या बला है दोस्तों, हमारा जो नोज गोड ने बनाया है, वो नोज एक कैविटी है और एक मकान के जैसे पार्टीशन होता है वैसे गोड ने उसका पार्टीशन कर दिया, किससे, सेप्टम से, नाक का पार्टीशन, उसको क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। ओके, सो उस नेजल सेप्टम से इस नाक का पार्टीशन कर दिया और ये गोड ने बताया है कि ये जो पार्टीशन है वो हमारा बीच में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, जिससे हमारे दोनों नोस्टिल हैं, दो नोजल कैविटी हैं, वो हमारी बराबर होनी चाहिए और हमें दोनों तरफ से बराबर सांस आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि अगर ये सेप्टम बीच में नहीं होके राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है या एसेप या सी सेप घुमा हुआ है किसी कारण से, तो उसको हम डीएनएस बोलते हैं। समझ में आया, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया कि क्या होता है डीएनएस। अब दोस्तों डीएनएस से क्या हो सकता है, डीएनएस से दोस्तों दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार ये जो हमारा डीएनएस है उसके कारण हमारा नाक का जो रास्ता है वो हो सकता है ब्लॉक हो रहा हो, हमारी दोनों तरफ के नाक की जो कैविटी है वो एसिमेट्रिकल हो गई हो, यानी मतलब एक तरफ तो अच्छा सांस आ रहा है दूसरी तरफ सांस नहीं आ रहा, ऑब्वियसली तो ये हो सकता है। सो उसके कारण क्या हुआ, हमारा नोज का जो है ब्रीदिंग ब्लॉक हुआ। दूसरा, हमारा नोज का ब्रीदिंग ब्लॉक होने के कारण क्या हुआ कि जो हमारा नोज साइनस से जुड़ा हुआ है उस साइनस में एयर नहीं जा रही, तो वहां पे आपको साइनस प्रॉब्लम चालू हो गई, इन्फेक्शन साइनस के अंदर, इन्फ्लामेशन। तो डीएनएस के कारण क्या हुआ, साइनोसाइटिस डेवलप हो गई। साइनोसाइटिस डेवलप होने से क्या हो गया, धीरे धीरे दोस्तों उस साइनस का जो फ्लूड है वो नाक के अंदर ट्रिकल करता है, जिसको हमने कई सारे वीडियो में भी डिस्कशन किया है, पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक का गले में टपकना। तो आपको डीएनएस के कारण साइनोसाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस के कारण आपको पोस्ट नेजल ड्रिप हुआ एंड पोस्ट नोजल ड्रिप से क्या हुआ आपको, आपको हमारे गले में इंफेक्शन बार बार स्टार्ट हो गया, बार बार हम दवा खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट, हमें सोर थ्रोट भी हो सकता है उसके कारण एंड अल्टीमेटली सोर थ्रोट डेवलप इन द टॉन्सिलाइटिस। सो आपको डीएनएस हुआ, डीएनएस के कारण आपको साइनोसाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस के कारण आपको पोस्ट नेजल ड्रिप हुआ, पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण आपको जो है वो सोर थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस। सो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जाती है एंड बहुत बार दोस्तों जो अंदर का जो डेविएशन है, जो टेढ़ापन है, उसके कारण हमारा नोज बाहर से भी तिरछा दिखता है। आइडियली हमारा नोज क्या है, बीच में होता है, नोज प्रोवाइड सेंटर ब्यूटी टू द फेस। तो हमारा नोज बिल्कुल डेविएटेड या एक तरफ होगा तो हमारा जो भी हमारे नोज को देखता है, फेस को देखता है, तो हमारे नोज पे ध्यान जाता है। सो ये है नुकसान। अब दोस्तों हमें पता लगा इसके फायदे क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों एक एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, जिसकी खास बात मैं बताऊं, बाहर से कहीं कोई चीरा नहीं लगता, बाहर से कोई जो है वो पट्टी नहीं होती है, कोई प्लास्टर नहीं करना पड़ता, 1 से 1.5 घंटे की प्रोसीजर होती है एंड आपको जो है वो रिकवरी टाइम की बात करते हो तो 7 दिन बाद आप अपने रूटीन सारे काम कर सकते हो एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी के माध्यम से, जिससे हमारा उसमें क्या किया जाता है, जो हमारा डेविएटेड पार्ट है, एक्सिस पार्ट है, उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को जो है वो नाक के बीच में सेटल डाउन कर लिया जाता है। हमारी नेजल कैविटी जैसी सबकी होती है वो दोनों तरफ बराबर हो जाती है, हमें लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छे से ब्रीदिंग होता है। सो दोस्तों देखा आपने, एक डीएनएस के कारण धक धक कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्या नुकसान है और क्या उसका मैनेजमेंट है। सो
तुरंत इस वीडियो को हमें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड यंगस्टर्स फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए, जिसको उनको आर्मी एयरफोर्स कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो तुरंत वो अपनी प्रॉब्लम को कंसल्ट करके उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।